नागरिकता संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हो गया, लेकिन इसको लेकर सड़क से लेकर सियासत तक विरोध हो रहा है, संसद तक विरोध हो रहा है। कैब को लेकर राजनीति से जुड़े लोगों का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए आप। ये जो काम है ये सिटीजनशिप देने का काम है, किसी का भी सिटीजनशिप कैंसिल करने का लेने का नहीं है, ये माननीय गृह मंत्री जी स्पष्ट रूप से कहा है। और दुनिया में ये तीन देशों में जो अल्पसंख्यक थे, सब कास्ट का अल्पसंख्यक जो थे अदर देन इस्लामिक, क्योंकि वो तो इस्लामिक कंट्री है, ये तो सब स्पष्ट रूप से कहा जाया है गया है कल ही। लेकिन कई लोग स्पेशली कांग्रेस पार्टी, दे आर ट्राइंग टू इंस्टिगेट द पीपल एंड ट्राइंग टू क्रिएट द लॉ एंड ऑर्डर, बट दे विल नॉट सक्सीड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह जी पूरा स्ट्रांगली नॉर्थ ईस्ट को बैक कर रहे हैं। ये पहले से, जब से हम लोग पावर में आया, सत्ता में आया, उससे पहले से भी वाजपेयी जी भी बैक किया था, और पावर में आने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी फुल बैक कर रहे हैं। उससे पहले जितना भी प्रेसिडेंट रहा सभी किया पार्टी ने, फिर भी एक ऐसा एक हम लोग को दिखाई दे रहा है, कैब ने असम को डिस्टर्ब नहीं करा, नॉट ओनली असम बट एंटायर नॉर्थ ईस्ट इट विल बी नॉट डिस्टर्ब। बट वी हैव सीन, क्या कोई एक पावर पीछे से बोल रहा है कि इसको डिस्टर्ब करो, जैसे 1983 में सिचुएशन था, ऐसे सिचुएशन क्रिएट करने के लिए ये हो रहा है। बहुत लोग इससे असंतुष्ट है, बहुत लोग को, मुझे असम से कितने लोगों के मैसेज मिल रहे हैं, जो स्टूडेंट्स है वहाँ उनको इंटरनेट नहीं है, उनकी परीक्षा भी सब घर खत्म हो गए, मतलब जो होना था अभी होने होगा नहीं, रास्ते में दिक्कत है, टेंशन है सारे समुदाय के अंदर। सरकार ने क्या क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये बिना सोच समझ के, जैसे भी नोट, ये नोट बंधन में ऐसे केस है कि बिल्कुल नहीं सोचा कि आम आदमी के ऊपर क्या दबाव लगेगा इसकी वजह से, और यही फिर किया कश्मीर में, यही ये किया अभी इस विषय पे। पता नहीं ये सरकार जो मर्जी उनके मन में आते हैं करते हैं, और देश की हालत मेरे ख्याल में हर रोज अभी बहुत बुरा। नागरिक संशोधन का जो कानून है उसमें कई बार पहले तब्दीली हुई है, इस बार ये बात सच है कि लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों सदनों में पारित हुआ है, लेकिन जो चर्चा निकल कर सामने आई है, जिस तरह का आज उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर माहौल बना हुआ है, अलग अलग देश के इलाकों में इसमें बहुत लोगों में आक्रोश है, विद्रोह हो रहा है, चर्चा नकारात्मक हो रही है, तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर आप लगातार संशोधन करते रहेंगे तो क्या संकेत जा रहा है।